Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were talking about photoelectric effect in our last lecture. Photoelectric effect, I said that when a light of suitable frequency falls on a metal surface, electrons from the metal surface gets ejected. So, electrons jo hain wo eject ho jate hain metal surface se. और इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट जनरेट होता है उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब ये जो करंट मेजरिंग मैकेनिज्म है जो करंट है ये हमें डायरेक्ट जो है इंडिकेशन दे सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। इसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया है ऑब्जर्वेशन के लिए। तो ये हमारे सामने ये एक सर्किट है, इसमें जो आपको ई नजर आ रहा है ये वाला, ये एक ऐसी सरफेस है जिससे हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। इधर ये जो सी है ये वो सरफेस है जिसने इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना है और ये एक वैक्यूम ट्यूब है। और ये होता क्या है कि जब लाइट फॉल करती है इस ई के ऊपर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मूव करते हैं टूवर्ड्स सी और जब वो सी पे पहुंच जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस एक्सटर्नल सर्किट में से फ्लो करते हैं। जब चार्ज किसी सर्किट में से फ्लो करता है तो करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो करंट हम इस एमिटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। अब ये एक जो यहाँ पे हम सेल देख रहे हैं या जो हमें ऑपरेटर नजर आ रहा है ये ऑपरेटर्स बड़ा सफिशिएंट ऑपरेटर्स है मुख्तलिफ पैरामीटर्स को डिटरमिन करने के लिए। होता क्या है कि जो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन मैटर सरफेस से निकलते हैं, बात याद रखिएगा कि मैं इसमें अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो ये कोई मैटर सरफेस है ये लेट्स सपोज मैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में मौजूद हैं उनकी बात करता हूँ। इसके ऊपर कोई लाइट फॉल की और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले। बेटा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये जो मैटर सरफेस है ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वहां से निकल गया ना। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये जो इनकमिंग फोटोन है इसकी एनर्जी ई इक्वल्स एच एफ है और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो कहते हैं वर्क फंक्शन फाइ से लिखते हैं। अगर इफ इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल हो तो बेटा ये वाला जितनी भी एनर्जी है ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन की जो उसमें बॉन्डिंग है मटेरियल के अंदर से तोड़ने में इस्तेमाल हो जाएगी और जो ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सरफेस पे आएगा तो ये अगेन पॉजिटिवली चार्ज हो चुका होगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो ये मेटल अगेन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन हमें बाहर नहीं मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें बाहर इलेक्ट्रॉन को हम ऑब्जर्व कर सकें देन एच एफ शुड बी ग्रेटर देन फाई। इससे क्या होगा कि फाई के इक्वल जो एनर्जी है वो तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आ जाएगी। अब उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सर्फिस से बाहर निकाल के मूव भी करवाना है ताकि वो मैटर सरफेस से दूर चला जाए और दोबारा मैटर सरफेस से अट्रैक्ट ना करे तो उसके लिए अजाफी एनर्जी चाहिए होगी। अगर इंसिडेंट फोटोन के साथ पास सिर्फ उतनी ही एनर्जी हो जिससे वो बाहर निकल सके तो अजाफी एनर्जी कहाँ से आएगी। लिहाजा एडिशनल काइनेटिक एनर्जी देने के लिए या फोटो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए इट इज नेसेसरी दैट द इंसिडेंट फोटोन शुड हैव एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम एनर्जी required to eject an electron from matter surface, तो वो जो minimum energy required है that is known as work function।
अब हम बात करते हैं इस मैकेनिज्म की जो हम इधर देख रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम इस ये जो ई है इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये जो सी है इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। मैं कह देता हूं कि ये हमारा कैथोड बन गया है और ये हमारा एनोड बन गया है। अब क्या होगा बेटा कि जो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अब ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिवली कनेक्टेड एंड, तो ये इस एनोड की तरफ मूव करेंगे। जितने भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो सारे के सारे एनोड की तरफ चले जाएंगे। जब ये एनोड पे पहुंच जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल सर्किट में से मूव करेंगे, जिनकी वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो बेटा यहाँ पे मुख्तलिफ मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उन हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं है। लास्ट टाइम मैंने इससे बात की थी, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस से आए, ये भी पॉसिबल है कुछ इलेक्ट्रॉन्स बल्क इंटीरियर से आए, जो इंटीरियर से आएंगे बाहर आते हुए उनका कोलिजन होगा, उनकी उतनी एनर्जी नहीं हो सकती जितनी सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है। देन तो हम लोग तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होगी, एवरी इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट एनर्जी। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कितनी एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो मैटर सरफेस से निकल रहे हैं जब हम उसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। तो बेटा इसके लिए हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे। इसके लिए मैकेनिज्म क्या बनाएंगे कि हम जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड एंड था सी वाला, उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट था ई वाला, वी विल कनेक्ट दिस टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारा एनोड था अब वो कैथोड बन जाएगा और जो कैथोड है वो अब एनोड बन जाएगा। ये करने के लिए हमें कोई ज्यादा जो है मसला दरपेश नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे रियोस्टेट लगाया है। जस्ट बाय मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट वी कैन चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस। नेगेटिव टर्मिनल को हम पॉजिटिव कर सकते हैं और पॉजिटिव को हम नेगेटिव कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि हमने जब ये जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड था इसे पॉजिटिव कर दिया और ये जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड था इसे नेगेटिव कर दिया, अब क्या होगा कि जिधर पहले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन फील हो रही थी उधर अब इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन फील होगी। मींस अब अगर इलेक्ट्रॉन सी की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे उनका सी की तरफ जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और ई पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। लिहाजा जो ही हम ये पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। मीन्स काफी सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी, वो सी पे पहुंच ही नहीं सकेंगे। इसलिए हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जब कम होगी तो करंट डेफिनेटली कम होगी। करंट है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब चार्ज की मैग्नीट्यूड कम हो गई है तो करंट भी कम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिवर्स करंट है इसे हम रिवर्स वोल्टेज इसे हम बढ़ाते जाएंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अब ये ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा, ये ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन सी की तरफ जा रहे हैं उनके ऊपर सामने से लगने वाली रिपल्शन भी बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे आप सी का को मोर नेगेटिव करते जाएंगे तो करंट की वैल्यू मजीद कम होती जाएगी, यहाँ तक के देर विल बी अ रिवर्स वोल्टेज। एक ऐसा वोल्टेज आएगा जहाँ पे जाके आप देखेंगे कि एमिटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मींस एट दैट वोल्टेज नो इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू रीच एट सी, कोई इलेक्ट्रॉन सी पे नहीं पहुंच सकेगा और उस वोल्टेज को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज कहेंगे। वहां पे ऐसा क्यों होगा, होता क्या बेटा, अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो हमारे पास एनर्जी इज गिवन बाय क्यू वी।
जब हम वी पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो जो ऑपोजिट एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के ऑपोजिट, काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को ई से सी पे लेके जा रही है, लेकिन जो रिवर्स एनर्जी है या रिवर्स पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन को सी पे पहुंचने से रोक रहा है। बढ़ाते बढ़ाते ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन की एनर्जी है ये इस काबिल हो जाएगी कि ये जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन भी इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके जो है वो सी पे नहीं पहुंच सकेगा और करंट जीरो हो जाएगा। तो बेटा ये जो स्टॉपिंग वोल्टेज है इसका मतलब है कि इस एट दिस पॉइंट के जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे मैटर सरफेस से, वो शुरू में ज्यादा थी किससे, ई वी से, इससे तभी तो करंट मिल रहा था ना, थोड़ा थोड़ा करंट मिल रहा था, लिखा करंट कम होता जा रहा था, लेकिन वी बढ़ाते रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे, करंट की वैल्यू कम होती जा रही थी, लेकिन करंट फिर भी तो था ना, इसका मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो पहुंच रहा था सी के ऊपर। लेकिन ये यही रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते गए एक पॉइंट ऐसा आया कि जो करंट की वैल्यू है वो जीरो हो गई। इसका मतलब है जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है आपका, उसकी एनर्जी भी अब उसकी एनर्जी ई वी नॉट से कम हो गई है, लिहाजा वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी या पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता और वो सी पे नहीं पहुंच सका और जिसकी वजह से हमें करंट नहीं मिला। लेकिन वी नॉट से अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं, थोड़ा सा जस्ट 0.009 मैं माइनस करूं वी नॉट से, उस वक्त तक मुझे करंट मिल रहा था। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तकरीबन ई वी नॉट के इक्वल है, इससे थोड़ी सी कम है, लेकिन हम उसे तकरीबन क्या कह देते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई वी नॉट। तो बेटा यही बात वो यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगी, ई वी नॉट की, और वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे हमें कुछ चीजें, कुछ हमने एनालिसिस किए, कुछ हमें जो है वो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से कुछ चीजें हमें मिली, कुछ एक्सपेरिमेंट हमने किए। पहली हमें चीज क्या मिली, सबसे पहले इंटेंसिटी प्रॉब्लम। हमने देखा अगर हम इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज मेंट बाय इंटेंसिटी, जिसे हम सिंपल इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, इसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएं तो इट मींस कि वी आर इंक्रीजिंग द एनर्जी। अब जो फोटॉन्स आके फॉल कर रहे हैं या लाइट आके फॉल कर रही है, यहां से कोई लाइट आके फॉल कर, तो इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से मुराद, मैं क्लासिकल व्यू आपको दे रहा हूँ, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने से डेफिनेटली मुराद हम यही ले रहे थे ना कि हम इसकी लाइट की एनर्जी बढ़ा रहे हैं। अब लाइट की एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर एक वर्क फंक्शन है, यानी जो मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं फर्ज किया, और जो आप पहले सोच रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ाने से मुराद एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो फिर बेटा इंटेंसिटी बढ़ाने से यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट आना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन मैटर सरफेस से बाहर आ जाएं। मींस इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी एटलीस्ट वर्क फंक्शन की इक्वल हो, उससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग नहीं वो तोड़ सकेगी फोटोन, और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकेगा। लेकिन अगर हम मानते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी ना। तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लाजमी आएगा जिस पे जाकर इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, ये हमारा मानना है, क्लासिकल व्यू है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है, देखा कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं निकलता,
means so frequency of incident light. जितनी मर्जी आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जो मर्जी इंटेंसिटी कर दो, इंसिडेंट फोटोन की, इंसिडेंट लाइट लाइट की इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा लो, लेकिन जब तक एक खास फ्रीक्वेंसी के इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट नहीं होगी या उससे ज्यादा नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, तो ये एक प्रॉब्लम है ना। कैसे हो सकता है भाई, एक बंदे ने 10 रुपए किसी के देने हैं और दूसरे बंदे ने उसे जो है ना वो अपना गुलाम बना के रखा है कि भाई इसने मुझे 10 रुपए देने हैं, तो कोई बंदा कहे भाई मैं इसे 20 रुपए देता हूँ इसे छोड़ दो, कोई कहता है 30 रुपए देता हूँ उसे छोड़ दो, तो छोड़ना पड़ेगा ना उसे, वो छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में था मैटर सर्फिस के अंदर, फर्ज किया कि इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिले तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आ जाना चाहिए। हम कहते हैं कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इनिशियली तो नहीं थी, इंटेंसिटी कम थी, अब इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट नहीं चेंज कर रहे। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ना चेंज करने से मुराद है हम इंसिडेंट लाइट का कलर चेंज नहीं कर रहे, हम उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं कर रहे। एक लाइट यूज कर रहे तो वही यूज करते जा रहे, जस्ट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे एक बल्ब है वहां पे 2 बल्ब लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हैं, इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ेगी लाइट की। इंटेंसिटी तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं आ रहा जब तक इंसिडेंट लाइट की एक खास फ्रीक्वेंसी ना हो, इसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा फिर इससे सीधी सी बात ये मुराद है कि इसका मतलब है फिर इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ रही। तो सबसे जो पहला हमें जो प्रॉब्लम आया वो ये था कि द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दी इंटेंसिटी प्रॉब्लम। कहता है कि वेव थ्योरी रिक्वायर्स दैट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक वेक्टर ई ऑफ लाइट वेव इंक्रीजेस इन एम्पलीट्यूड एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम इज इंक्रीज, सिंस द फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन क्यू ई होता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स इज ई स्मॉल ई इनटू ई, दिस सजेस्ट दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन शुड also increase as the light beam is made more intense. वही बात जो मैं कर रहा हूँ कि wave theory ये कहती है ना कि आप intensity बढ़ाओगे तो energy बढ़ेगी, energy बढ़ेगी तो definitely कोई ना कोई ऐसा point आएगा जहाँ से वो electron को बाहर निकाल लेना। ये उसने बात की है electric field vector के हवाले से, हमने polarization में पढ़ा आपने energy लेनी है तो electric field vector के square के directly proportion होगी उसकी intensity। तो और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन जो आगे फॉल कर रहा है वो बढ़ेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए। कहता हाउएवर फिगर 10 शोज दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट के इक्वल है इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, ये लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। दिस हैज बिन tested over a range of intensities of 10^7, 10^7 पता कितनी रेंज होती है, 10^5 1,00,000 होता है, 10^7 1,00,000 से भी 100 गुना ज्यादा। तो इस रेंज इंटेंसिटी तक भी चेक किया कि जो एक ऐसा वोल्टेज है जिससे कम वोल्टेज पे आप जो मर्जी कर लें जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा लें कि वहां से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट उससे ज्यादा रिवर्स वोल्टेज दें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उधर नहीं जा सकता। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट के इक्वल है जो कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही बल्कि ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। दूसरा देखिए, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड अकर फॉर एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट प्रोवाइडेड only that the light is intense enough to supply the energy needed to eject electrons, photoelectrons. kehta hai ki wave theory mein ye kehti hai ki bhai intensity ka chakkar hi nahi hona chahiye, frequency ka koi role nahi hona chahiye in ejecting the photoelectrons. lekin experiment hame ye kehta hai ki aisa nahi hai. according to wave theory intensity badhane se एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ने से एक ऐसा मुकाम आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट हमें ये कहता है कि ऐसा नहीं है। इंटेंसिटी जितनी मर्जी ज्यादा कर लो
लेकिन जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो कहता है हाउएवर फिगर 11 शोज दैट देयर एग्जिस्ट फॉर ईच सरफेस अ कैरेक्टरिस्टिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। कहता है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी हर मैटर के लिए अलग से है। तो फॉर फ्रीक्वेंसीज लेस देन न्यू नॉट या एफ नॉट आप कह लें द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर नो मैटर हाउ इंटेंस द इल्यूमिनेशन। कहता है कि इंसिडेंट लाइट जितनी मर्जी इंटेंस हो लेकिन अगर बेटा जो है उनकी जो जितनी मर्जी इंटेंसिटी हो अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है खास वैल्यू से कम है देन वी कैन नॉट ऑब्जर्व फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा दूसरा प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी का है और इस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो थर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने है वो टाइम डायलेशन का है। मींस अगर हम लोग कहते हैं कि लाइट इज अ वेव और लाइट अगर वेव है तो उसकी एनर्जी तो उसकी वेव फ्रंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हम लोग जब इसकी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि यानी एनर्जी जो है अगर लाइट वेव है तो लाइट की एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो पूरी वेव फ्रंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम लाइट को फॉल करेंगे तो कुछ टाइम लगना चाहिए एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट होके इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन को टारगेट इलेक्ट्रॉन को सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए कुछ टाइम लगना चाहिए और देयर शुड बी अ टाइम कुछ डिले होना चाहिए टाइम डिले बिफोर इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है कि जो ही लाइट फॉल करे उसे बाहर नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि लाइट को कुछ टाइम चाहिए वेव को अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन बेटा देखा ये गया कोई टाइम डिले नहीं है, जो ही लाइट फॉल करती है उसी टाइम इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। ऐसे लग रहा है कि ये जो लाइट में जो एनर्जी है वो ये सारी सारी कॉन्सेंट्रेटेड है, ये वेव की तरह वेव लाइक बिहेवियर शो नहीं कर रही। तो टाइम डिले प्रॉब्लम इसमें जो था नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, तो उसमें ये एक इशू है। दीज आर दी प्रॉब्लम्स जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है जिन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो इन्हें एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन की थ्योरी ने। तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि हाउ आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे बेटा आप पढ़ें समझें, कोई इशू है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।